हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर के आप सभी लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बताने जा रहा हूं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। अगर जो आप सीएससी वेली हैं या कॉमन सर्विस संचालक हैं, कोई भी आप केंद्र चला रहे हैं या आप किसान हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम इसमें बताएंगे जिन किसानों की अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आई है 12वीं इंस्टॉलमेंट, तो वो क्या करें, क्या उनके में समस्या है, किस लिए नहीं आई है, क्या उनके में प्रॉब्लम है, ये हम लाइव आपको दिखाएंगे दोस्तों। कैसे आप चेक करेंगे क्यों आपकी जो है 12वीं इंस्टॉलमेंट नहीं आई है दोस्तों, तो हमारे वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप अगर जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तब भी आपके लिए, क्योंकि आप जो है आपके आने वाले कस्टमर को आप वो बता सकते हैं कि क्या उनके में प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो जैसा कि हम आपको सबसे पहले वो दिखा दें स्टेटस, जिसमें इंस्टॉलमेंट मतलब अभी आ चुकी है, उसका मैं स्टेटस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं ये खोल रहा हूँ, अभी आप देख लेना इसमें, जैसे कि मैंने ये खोला, इसमें जो है 5 इंस्टॉलमेंट आई हुई हैं, जो पहले पंजाब नेशनल बैंक में गई है, फिर जो है इंडिया पोस्ट, फिर इंडियन बैंक में गई हुई 5वीं इंस्टॉलमेंट दोस्तों। इसमें हमारी जो है ये इंस्टॉलमेंट 17/10/2022 को, यानी कि ये वाली जो इंस्टॉलमेंट थी वो आ चुकी है दोस्तों। दूसरी चीज़, जिन लोगों में नहीं आई हो उनके में क्या स्टेटस शो कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी और भी है जो हम आपको रजिस्ट्रेशन में बता दें, जैसा कि दोस्तों इंस्टॉलमेंट हमारी कब आई है ये भी आप जान लो, क्यों आई है, क्या हमारे में सारा कुछ सही है तभी आई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है, आधार डेमेट मतलब जो है अथेंटिकेशन सक्सेस, डेमो अथेंटिकेशन जो होता है दोस्तों वो सक्सेस है, हमारी ईकेवाईसी डन है, मैं एलिजिबल भी हूँ इसके लिए, और हमारा पेमेंट मेथड जो है वो आधार है दोस्तों। इसी के हमारा पीएफएमएस द्वारा भी सत्यापित है, हमारा सर हर एक जगह से जो है सही है रजिस्ट्रेशन, तब जाके हमारी इंस्टॉलमेंट आई हुई है। यहाँ पर लैंड सीडिंग भी यस है दोस्तों, तो हमारी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आई है। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की 12वीं इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस लिख करके आ रहा है, प्रोसेसिंग पेमेंट प्रोसेसिंग लिख करके आ रहा है, उनकी भी दोस्तों इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुल आ गई है, उनको भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, यहाँ पर जल्द ही उनका अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों जिन लोगों की नहीं आई है उनके हम बताने जा रहे हैं उनको में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं आई हुई है दोस्तों। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें भी जो है 12वीं इंस्टॉलमेंट जो है, इसमें सारी इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, और जो 12वीं इंस्टॉलमेंट है पेमेंट प्रोसीड पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये पेमेंट प्रोसीड है, लेकिन हमारी जो इंस्टॉलमेंट है हमारे अकाउंट में आ चुकी है, ये अभी स्टेटस जो है अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर शो नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों ऊंचे की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिल जाएगा कि KYC भी डन है, आधार डेमो अथेंटिकेशन स्टेटस भी जो है हमारा सक्सेसफुल है, एलिजिबिलिटी भी हमारी यस है, पेमेंट मेथड भी हमारा जो है, पेमेंट मोड भी हमारा आधार है, और लैंड सीडिंग भी हमारी यस है, PFMS द्वारा जो है सत्यापित भी है दोस्तों। तो इसी तरह से आप देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन और आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ और वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, स्टेटस को खोल कर आपको लाइव दिखाते हैं दोस्तों क्या उसमें दिक्कत है और कैसे वो सही होगी दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अपना जो है इसमें मोबाइल नंबर इंटर करके अपना स्टेटस चेक कर रहा हूँ। मैंने अपना नंबर इंटर कर दिया, फिर इसमें जो है कैप्चा एंटर करेंगे। मैंने कैप्चा भी इंटर कर दिया, फिर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाटा शो कर देगा यहाँ पर जो भी है। देख सकते हैं हमारा डाटा जो है यहाँ पर शो हो गया है, डाटा हमारा यहाँ पर शो हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जब 12वीं इंस्टॉलमेंट पर जाएंगे तो ना तो आपको पेमेंट प्रोसीड दिखाएगा, ना आपको इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफ़र दिखेगी दोस्तों। इसका रीज़न दोस्तों एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है, अभी आपको हम ऊँचे चल कर दिखा रहे हैं किस रीज़न से ये जो है इनका पेमेंट नहीं आया हुआ है दोस्तों। पेमेंट तभी नहीं आया है जब आपके रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई कमी है, तभी पेमेंट दोस्तों नहीं आया है आपको, तो कमी आपको सुधारना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आधार डेमो अथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस है, ईकेवाईसी डन है,
ई के वाई सी डन जो है ये भी ऐसे है दोस्तों, एलिजिबिलिटी भी ऐसे है। यहाँ पर आप PFMS द्वारा जो आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड जो है वो आधार मोड है सबसे दोस्तों, यही आप इम्पोर्टेंट चीज़ है। PFMS द्वारा रिजेक्टेड बाई PFMS, ये दोस्तों इनका PFMS के द्वारा इनका जो है अकाउंट रिजेक्ट कर दिया गया है जिसके कारण इनका पेमेंट नहीं आया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक रिजेक्शन का रीजन, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाई PMFS मतलब PFMS, क्योंकि इनका जो है यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इनका जो है वहाँ पर डिटेल्स शो नहीं हो पा रहा है। इनके लैंड भी जैसे इनके इसी के कारण बस दोस्तों इनका जो है इंस्टॉलमेंट यहाँ पर नहीं आई हुई है, इनकी 12वीं इंस्टॉलमेंट इसी के कारण से इनको नहीं मिली है दोस्तों। तो यही हम आज की वीडियो में आप लोगों को फोकस करना चाहते थे कि अपना जो है स्टेटस चेक करें, उसमें क्या रीज़न है, किस कारण से आपको जो है पेमेंट नहीं आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर जो आपकी KYC नहीं लगी होगी तो यहाँ पर आपको जो है कि EKYC नो दिख जाएगा दोस्तों, कि मतलब EKYC डन, तो यहाँ पर नो आपको लिखा दिखाएगा। अगर जो आपको नो लिखा दिखे तो आप जो है उसमें KYC जरूर लगा लें। अगर जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है तो दोस्तों आप PM या जो है किसान सम्मान के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर लैंड सीडिंग अगर जो आपको नो दिखे तो दोस्तों यहाँ पर आप के भूमि जो है आपकी मतलब ज़मीन जो है आपकी वो आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाई PFMS ये दिखे तो दोस्तों आपकी बैंक को रिजेक्ट कर दिया गया है, आप अपने बैंक को चेंज करें या अपना अकाउंट दूसरे किसी बैंक में खुलवाएं जिसमें आधार रजिस्टर्ड हो, जिसमें NPCI द्वारा रजिस्टर्ड हो, तभी आपका पेमेंट आएगा दोस्तों। आप अकाउंट खुलवा लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपका पेमेंट आ जाएगा दोस्तों अगली इंस्टॉलमेंट में। तो दोस्तों आज की जानकारी मैं यही बताना चाहता था, आप लोग समझ गए होंगे कि आपके स्टेटस में क्या कमी है। आप अपना स्टेटस जरूर चेक करें और देखें उसमें क्या कमी है जिसके रीजन से आपका पेमेंट नहीं आया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों। अगर जो आप लोगों में ये स्टेटस शो हो रहा है बैंक द्वारा रिजेक्ट है, कोई भी रीजन है आप लोगों के में, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन आप लोगों को जरूर दूंगा। बहुत मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रजिस्ट्रेशन सही करने की, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट करना, आगे वीडियो में उसके लिए जरूर बना दूंगा कि कैसे उसे आप सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।